नमस्कार, राजधर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्ते, मैं राशिद। देश की अर्थव्यवस्था का एक राजधर्म है और इसे मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक ऐसे वक्त में जबकि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, वैसे वो सामने आई। उन्होंने ये कहा कि चीन से लेकर के जर्मनी तक, जर्मनी से लेकर के अमेरिका तक हर जगह मंदी है, उन सभी के मुकाबले हम बेहद मजबूत हैं। ये कहना था निर्मला सीतारमन का। लेकिन आप ये भी देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह कहा कि 70 साल में लिक्विडिटी यानी कि कैश फ्लो में सबसे बड़ी चुनौती का वक्त आ गया है, और इस पर बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जेब से पैसा नहीं निकाल रहा है। जैसे ही मीडिया में यह बात आई, आपके चैनल ने यह बात दिखाई, वैसे ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से न दिखाया जाए क्योंकि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को ठीक और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात सिर्फ राजीव कुमार तक के ही बयान की नहीं है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता जताई है, और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने तो यहां तक भी कह दिया था कि देश में आर्थिक स्लोडाउन का खतरा है। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर जब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, चर्चा चौतरफा है, ऐसे में इस सुगबुकाहट का इशारा किस तरफ है, सवाल लाजमी हो जाते हैं। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं कि विश्व भर में इस तरह के हालात हैं, अमेरिका, जर्मनी, चीन का वो उदाहरण जरूर देते हैं, लेकिन अगर वहां मंदी के हालात हैं और यहां अर्थव्यवस्था बेहतर बता रही है, तो आखिर कौन है इसके पीछे जो अफवाह फैला रहा है आर्थिक मंदी को लेकर, इस पर भी होगा सवाल। लेकिन पहले रिपोर्ट। कोई देश में आर्थिक मंदी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश की भारी कमी है। सबसे पहले आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिए गए तीन बयानों को सुनिए। इन नीतियों पर बहुत कुछ निर्भर है। ऐसी नीति से निवेशकों और व्यापारियों पर काफी असर पड़ रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कई बड़े फैसले लेने होंगे। इसके लिए हमने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं और हम सरकार से कुछ कड़े फैसले की भी उम्मीद कर रहे हैं। सरकार के सामने बहुत बड़ी संकट है। 70 साल में नकदी की ऐसी कमी नहीं हुई। प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां एक दूसरे को लोन देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अगले ही दिन एक ट्वीट कर कहा, मेरी मीडिया से गुजारिश है कि मेरे बयान को गलत तरीके से नहीं लिया जाए। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठा रही है और आगे भी ऐसे फैसले लेती रहेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या पर्दे के पीछे मोदी सरकार को घेरने की कोई साजिश चल रही है? 8 दिन पहले ही पीएम मोदी ने लाल किले से भारत को 2024 तक 5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही थी। हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। मोदी ने 3 तलाक और धारा 370 पर किए अपने वादे को पूरा किया है। एकाएक अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है तो सरकार के फैसले पर सवाल उठाया जाना चाहिए। पिछले 6 साल में मोदी ने कई साहसिक फैसले लिए, उन पर एक नजर। नोटबंदी से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। नोटबंदी से नकली करेंसी खत्म हुई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में सामान अब एक रेट पर मिलता है। जीएसटी लागू होने से जरूरत के सामान की कीमत में गिरावट आई। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन जैसे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। ऐसे में सरकार के इन साहसिक फैसलों के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर सरकार के खिलाफ लॉबिंग का सिलसिला कितना सही है। हालांकि देश के आर्थिक हालात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज देश को संबोधित किया और साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, और अमेरिका, चीन, जर्मनी जब यहां पर झटके लगे हुए हैं तो उन्होंने इशारों में यह कहा कि उसका असर हिंदुस्तान में है जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हम व्यापार को, निवेश को, व्यवसाय को आसान और सुलभ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है, बता दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि मंदी से किसी भी तरह से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग कौन है जो मंदी के नाम पर, कैश फ्लो के नाम पर, कैश कम होने के नाम पर,
डराने या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोशिश की जा रही है तो लॉबी कौन सी है। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। पत्रकार एके मिश्रा मेरे साथ में है, बहुजन समाज पार्टी के नेता सुरेश चंद्रा भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, संघ विचारक एस के गुप्ता जी स्वागत है आपका, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एपी तिवारी हमारे साथ में है, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय हैं, थोड़ी देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गौतम राणे सागर जी भी हमारे साथ में हैं, अब से थोड़ी ही देर के बाद में जुड़ेंगे, बस थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। एके, पहला सवाल आपसे ही है, जो बात नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, जो बात आरबीआई के पूर्व गवर्नर कह रहे हैं, और जिस बात का इशारा आरबीआई के मौजूदा गवर्नर कर रहे हैं, वो सच है? जो मायावती कह रही हैं वो सच है? जो प्रियंका गांधी कह रही हैं वो सच है? या जो निर्मला सीतारमन ने कहा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के वो सच है? देखिए राशिद, मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस होके और किसी के भी स्टेटमेंट या कथन को बेंचमार्क मान करके अपनी बात को नहीं रखता हूं। इकोनॉमी की बात है और इकोनॉमी चलती है कुछ फैक्ट्स पे, कुछ फिगर पे, कुछ नंबर्स पे और कुछ प्रिंसिपल पे। बात हम यहाँ बेसिक प्रिंसिपल की करेंगे, ये सारे लोग राजनीतिज्ञ हैं, इनकी बातों को हटा दीजिए। मैं एक चीज बहुत पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के लोग जुड़ेंगे। कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने नेक नियति से ही इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, लेते रहे हैं, अभी भी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी लेंगे। लेकिन नेक नियति से ही केवल डिसीजन ले लेना सफिशियंट नहीं होता है, फ्यूचर में इम्पैक्ट उसका कुछ और होता है। निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री जी भी हैं, मैं उनके भाषण को देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैं मानता हूं, करप्शन फ्री करने के लिए इकोनॉमी को ये सारे जो डिसीजंस लिए वो है। लेकिन सवाल यहां पे ये होता है ना कि आपको अगर कोई चीज करेक्ट करनी है तो करेक्शन जो होता है ना वो एक प्रोसीजर होता है, ऐसा ना हो कि साल डेढ़ साल दो साल या लॉन्ग टर्म के लिए हर चीज ठप हो जाए या बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाए उसके बाद हो। यहां पे चूक यही हुई है, इतनी तेजी से इन्होंने करेक्शन किया है निर्मला सीतारमण जी ने। देखिए अब कुछ मैं लॉजिक को पकड़ता हूं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा पंप किया है, अभी बैंकों को कितने 70,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो इमरजेंसी में पंप कब किया जाता है? जब हालत खराब होती है तभी पैसा पंप किया जाता है ना, ठीक कह रहे हैं। पहली चीज। दूसरा लॉजिक ये पकड़िए, जो कि एकदम टोटली बेसलेस लॉजिक है, वो लॉजिक ये है, उन्होंने बोला कि अमेरिका, जर्मन, ये वो सब जगह ग्लोबल मंदी है और ग्लोबल जीडीपी जो है उसके कंपैरिजन में हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है। और जितने दर्शक देख रहे हैं, जरा गूगल पे आप डालिए ग्लोबल एवरेज जीडीपी रेट ऑफ लास्ट 10 ईयर, ग्लोबल जीडीपी अगर देखेंगे ना तो हमेशा से ही 3-4%, 3.5% 2.5% रही है, तो उस कंपैरिजन में तो हम हमेशा ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी हमेशा 5% से ऊपर रही है आजादी के बाद से। तो इट इज ए रॉन्ग पैरामीटर, ये रॉन्ग उन्होंने किया था, एपल टू एपल होना चाहिए। रही बात, ये बोल रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी ये वो, मैं 2018 में जापान की जीडीपी 0.8% थी, तो अब उसको पैरामीटर बनाएंगे? जापान वगैरह अमेरिका वगैरह की जीडीपी 1% से लेके 3% होती है, फर्क होता है, दे आर फुली डेवलप्ड। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि लेट मी अलाउ टू कंप्लीट, सारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे है राशिद, मैं बता रहा हूं। वहां पे और यहां की परिस्थिति में बहुत फर्क है, वो डेवलप्ड है, उनके पास हर चीज है, और डेवलप्ड और सेचुरेटेड में 1% का भी अगर एनुअल ग्रोथ हो या ना हो, आप मेंटेन करके रखिए वो ग्रोथ, तो आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहती है। हमारे कंट्री के लिए बहुत तेजी से डेवलप करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जापान के साथ में आप कंपैरिजन करते हैं, तो जापान में जो कामकाजी लोग हैं, जो कामकाजी जनसंख्या, हर आदमी के पास जॉब है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक एक आदमी गौरव मिश्रा जी, 3-3, 4-4 जॉब के ऑफर है। गौरव मिश्रा जी, मुझे ये पता चला कि देश को और बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए 70,000 करोड़ पंप किए गए हैं। कैसे? एफपीआई सरचार्ज वापस ले लिया गया, स्टार्टअप्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है कि स्टार्टअप्स के लिए ये कहा गया है कि एंजल टैक्स नहीं लगेगा, होम लोन सस्ता हो जाएगा, ऑटो लोन सस्ता हो जाएगा, एमएसएमईज के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। यह भी कहा गया है कि व्यवसाय को और ज्यादा बेहतर, सुलभ, सुचारू बनाने के लिए जीएसटी के जितने भी बचे हुए केस होंगे 30 दिन में सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, हम हिंदुस्तानी इतनी बड़ी बड़ी चीजें बहुत बार समझ नहीं पाते। जीडीपी नहीं हमें समझ में आती, एमएसएमई हमें समझ में नहीं आता है, हमें जीएसटी समझ में नहीं आता है, सीबीडीटी नहीं समझ में आता, हमें कुछ नहीं समझ में आता। हमें समझ में आता है हमारी नौकरी, हमें समझ में आता है हमारा दाना पानी, हमें समझ में आता है हमारा किचन, हमें समझ में आता है रोटी कपड़ा मकान। क्या बस ये गारंटी बता दीजिए कि निर्मला सीतारमण ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस बात की गारंटी है कि देश से एक भी नौकरी नहीं जाएगी, एक इंसान भी भूखा नहीं रहेगा? ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या गौरव मिश्रा?
राशिद जी, आपको एक बात समझना होगा कि आज पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका और चीन के ट्रेड वार से जूझ रही है, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ रहा है। और चूंकि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लंबे समय तक बनी रही है, इनफैक्ट आज भी है, दुनिया के 10 जो टॉप कंट्रीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे तेज गति से अभी भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन एक परसेप्शन बन रहा था पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से कह लीजिए कि देश में मंदी का असर है, एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा ग्रोथ रेट है सर, ऐसे देश है जहां पे जीडीपी का ग्रोथ रेट 17% है। एक है, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। एक बार गौरव जी की बात के साथ आज देश की वित्त मंत्री जनता के समक्ष आई, देश के समक्ष आई, और कई बड़े रिफॉर्म के निर्णय उन्होंने लिए हैं। आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही अगर एक ले लिया जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक रिसेशन बड़ा देखने को मिल रहा था, उसका कारण एक छोटा सा था, BS4 जो टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियां थी उसके लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि अब ये एब्सोल्यूट हो गई है, अब इनका कोई काम नहीं है, अब इनको बाजार में कोई लेने वाला नहीं है, वो सारा ब्लॉकेज हो गया। स्थिति ये हुई कि उनके यहां रिसेशन की स्थिति आ गई और वो BS4 की जो गाड़ियां हैं वो होल्ड हो गई स्टॉक में। इलेक्ट्रिकल मार्केट का अब समय आ रहा है, ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन आज देखिए आपने वित्त मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि 2020 तक सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। ठीक है, एक सुधार की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में। बहुत जल्दी जल्दी मैं डिबेट को सबके लिए ओपन करना चाहता हूं, चूंकि बहुत जल्दी जल्दी डिबेट को मैं सबके लिए ओपन करना चाहता हूं। गौरव जी, एक बार डिबेट को मैं सभी के लिए ओपन कर दूं, उसके बाद एक एक करके फिर से आप लोग के पास आऊंगा। क्विक रिबटल दीजिएगा, एक एक क्विक रिबटल। रिफॉर्म किया है ना निर्मला रमण मैम ने, जो रिफॉर्म किया है इसको टेक्निकली बोलते हैं रिवर्स रिफॉर्म। 5 साल तक जो आपने रिफॉर्म किया अब उसी का उल्टा कर रहे हैं। अभी आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे सब बंद, अब आप बोल रहे हो नहीं जी 2020 के बाद भी चलते रहेंगे। जितने नियम आपने लिए थे, रिफॉर्म किए थे, ये रिवर्स रिफॉर्म आप कर रहे हो। आप अब कैश फ्लो कर रहे हो बैंकों को, आपने कैश को बैंक किया, अब बैंकों में कैश फ्लो कर रहे हो, अब आप क्रेडिट पीरियड वगैरह घटा रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा, अब आप बैंक इंटरेस्ट रेट घटा रहे हो, पहले जीएसटी आपने बढ़ाया अब आप घटा रहे हो। दैट्स व्हाई टेक्निकली एक मिनट, एक गौरव जी आप भी रुक जाइए, एक आप भी रुक जाएं, लेकिन एक की बात से कुछ हद तक सहमत तो मैं भी हूं। प्रोफेसर एपी तिवारी, इज इट अ रिवर्स रिफॉर्म? क्या एक मिनट, प्रोफेसर एपी तिवारी जी, क्या ये रिवर्स रिफॉर्म है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, गौरव जी का कहना यह है कि यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है जिसका असर हिंदुस्तान में भी है, क्या उनका यह कहना ठीक है? एक मिनट। और तीसरी बात, ये जो BS4 गाड़ियों की बात कर रहा है गौरव मिश्रा, चूंकि अब सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है मार्च 2020 तक खरीदी गई BS4 गाड़ियां जो है पूरी तरह से वैध होंगी, क्या इन सब के जरिए देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी? असली आईना आप दिखा सकते हैं तिवारी जी? आप सोमवार को देखिएगा जब मार्केट खुलेगा। ओके, सोमवार को एक मिनट, एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए। गौरव जी प्लीज, सम्मान प्रोफेसर एपी तिवारी आप बोले। राशिद, सबसे पहले तो ये कि जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, वर्तमान में खासतौर पर आज जो वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया है उसको एक मिनी बजट स्पीच के तौर पे लिया जा सकता है, जिसमें कर की तरफ सुधारों की बात की गई है, कर के सरलीकरण की बात की गई है। एक बात और महत्वपूर्ण है, भारतीय मुझे अपनी बात पहले प्लीज अपने बीच का संबंध होना चाहिए, उनमें समंजन होना चाहिए, इसकी बात आ रही है कि जो दीर्घकालीन कैपिटल का फ्लो होगा, फाइनेंशियल फ्लो होगा, ऋण की व्यवस्था होगी, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक और नॉर्थ ब्लॉक के बीच एक अधिक बेहतर समंजन होगा। कुल मिलाकर जो एक कहेंगे बात दिख रही है, जो राजीव कुमार ने भी संकेतित किया, प्रोफेसर एपी तिवारी, क्या मेरे भारत में नौकरी बच जाएगी? क्या मेरे भारत में किसानों का मरना बंद हो जाएगा? क्या मेरे भारत में लोग भूखा रहना बंद कर देंगे? बिल्कुल सीधी यह बात बताइए मुझे। अब नहीं, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे रहा हूं ना।
अगर ऑटो सेक्टर को लें, राशिद अगर आपने बुलाया है कुछ सुनने के लिए तो धैर्य रखें, मेरी बात को सुने। यदि ऑटो सेक्टर को लें तो ऑटो सेक्टर में जो सेल्स की गिरावट है वो 5 से 6% की है और कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता है वो कुल सेल का केवल 4% है। ऐसे में ये मान लेना कि ये मंदी का संकेत है ठीक नहीं है, क्योंकि बाजारी के अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र पहले कह सकते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज के तौर पे उभरते हैं वही क्षेत्र सनसेट होते हैं। लेकिन एपी तिवारी जी ऑटोमोबाइल्स का ही जिक्र क्यों करें? जब ऊंचा इन्फ्लेशन, एपी तिवारी जी ऑटोमोबाइल्स का ही जिक्र क्यों हो रहा है? टेक्सटाइल का जिक्र क्यों नहीं? छोटे कारखानों का जिक्र क्यों नहीं? छोटे व्यापारियों का जिक्र क्यों नहीं? किसानों का जिक्र क्यों नहीं? नौकरी पेशा लोगों का जिक्र क्यों नहीं? काफी कुछ हुआ है। सबसे बड़ी इकोनॉमी से सातवीं पे आ गए, इससे बड़ा क्या है? आरएसएस के लोग चौथी कपटी चौथी और पांचवी इकोनॉमी जिला के बोलता था यहाँ के साथ किसने देखे संघ वर्षा देखे आरएसएस वर्षा देखे एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। एक मिनट ओके ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, ओके ठीक है। एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक एक मिनट, 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 एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक है प्लीज, मेरी गुजारिश है सर, प्लीज सर, एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक 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 मिनट प्लीज, एक मिनट, मेरी मेरी गुजारिश है। इसके गुप्ता जी अब आपसे सवाल है, इसके गुप्ता जी अब आपसे, सर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ओके ठीक है, ओके हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डन 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 डन, एक है प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ करके सर, हाथ जोड़ करके अपील है सर, हाथ जोड़ करके अपील है सर, हाथ जोड़ करके अपील है, एक है प्लीज, एक काम करता हूं, आउट करके चला जाता हूं, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, एक एक मिनट रुक जाइए, एसके गुप्ता जी, नहीं नहीं एक मिनट, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एक है प्लीज, एसके गुप्ता जी अब आपसे ही सवाल है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एसके गुप्ता जी मेरे कुछ सवाल हैं और बहुत बुनियादी सवाल हैं और ठीक भी हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा था कि BS4 मानकों की जो गाड़ी है वो बंद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा जब लगा कि जब एक मिनट सर, अर्थव्यवस्था में जब सुस्ती आने लगी तो डिसीजन को वापस से ले लिया गया, कैश फ्लो जब बंद होने लगा तब यह समझ में आने लगा कि नहीं, नोटबंदी की वजह से अगर कैश फ्लो बंद हुआ है और अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर कह रहे हैं, तो अब सरकार के जहन में यह चलने लगा है कि किस तरह से कैश फ्लो को बढ़ाया जाए। ठीक इसी तरह से वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें ऐसी निकल करके आई हैं। अब आप ये कहते हैं जीएसटी को लेकर के और भी कई चीजें कही जा रही हैं कि जीएसटी में इस तरह का संशोधन होगा या आगे टैक्स को लेकर के और भी हम अमेंडमेंट्स करेंगे। ऐसी नौबत क्यों आई कि एक पहले तो फैसला ले लिया और उस फैसले पे फिर वापस से जाना पड़ रहा है? कितने दिन? एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, 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 एकेजी प्लीज, रिवर्स रिफॉर्म, अरे एकेजी प्लीज सर, राशिद जी देखिए ऐसा है और सिर्फ एसके गुप्ता बोलेंगे, प्लीज सब लोग सुनिएगा, एक एक के पास मुझे जाना है, डिबेट सभी के लिए ओपन है, आपको जहां भी लगेगा कि आपको बात अपनी कहने का वक्त कम मिला है मैं 10 मिनट डिबेट बढ़ा दूंगा। गुप्ता जी देखिए, राशिद जी ऐसा है, जब भी कोई एक्शन लिया जाता है उसको क्लोजली वॉच किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और ये जो अभी हो रहा है ये इसको समझिए आप, ये कोर्स करेक्शन है। अभी हम पीछे देख रहे थे कि कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही थी जी, आपका ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, एमएसएमई में प्रॉब्लम आ रही थी, रियल्टी सेक्टर में प्रॉब्लम तो काफी दिनों से चल रही है, टेक्सटाइल में भी प्रॉब्लम थी, ऑफकोर्स एफपीआई वाली प्रॉब्लम थी जो उन्होंने घोषित किया था, एफपीआई में जो इन्होंने वो कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था, सरचार्ज लगा दिया था, तो उसका रिजल्ट ये हो रहा था कि मार्केट, शेयर मार्केट एकदम नीचे जा रहा था, तो उसका एक कोर्स करेक्शन उन्होंने लिया। देखिए आप अगर याद करें, अभी 3 दिन पहले आपके यहाँ डिस्कशन हुए थे, जो भी पॉइंट्स हमने किए थे और जो जो हमने सुझाव दिए थे, और मैं समझता हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बैठी थी वहां और हमारी बातें सुन रही थी, और ये पिछले काफी दिनों से ये डिस्कशन भी हो रहे थे, और उसमें एक एक उन्होंने एक एक क्षेत्र को पकड़ा और उसमें जो जो सुधार किए हैं ये बहुत जरूरी थे और बड़े अच्छे सुधार किए हैं, जो हमने पॉइंट बनाया था कि इलेक्ट्रिक कार वाला संघ को क्या लगता है कहीं चूक हुई है, BS4 संघ को क्या लगता है कहीं चूक हुई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ कदमों में इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी दिखा दी, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इलेक्ट्रिक कार का इतना जोर नहीं लगाना था,
अभी आपको पेट्रोल डीजल के कार को साइमल्टेनियसली चलने देना था, BS4 को एकदम खत्म नहीं करना था, ये सब चीजें इनके गलत एक्शन, गलत क्या थोड़ा जल्दबाजी में एक्शन, इससे ज्यादा आई एक्सेप्ट प्लीज एसके जी कुछ चीजें बेहद ईमानदारी से कह रहे हैं और वाकई में हमें उससे वेलकम करना चाहिए, अपनी बात जल्दी पूरी करें। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर, उस दिन भी बात हो रही थी एमएसएमई में इनकी कुछ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, अभी जो इन्होंने बैंक में 70,000 करोड़ डाला है और ये आज नहीं डाल रहे हैं, बैंक में अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से दो साल से ये पैसा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डाल ही रहे हैं, पिछली बार 61,000 करोड़ डाला था, अभी 70,000 करोड़ डाला है, ये सब बहुत जरूरी था और वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका सबको स्वागत करना चाहिए। जीएसटी रिफंड वाला पॉइंट है, अभी एक गलती रह गई है, टेक्सटाइल सेक्टर को इन्होंने टच नहीं किया है, ठीक है, ये अब मेरे ख्याल उम्मीद की जा रही है कि वहां उसके लिए भी कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा। एग्जैक्टली गौतम राणे सागर जी, इतने दिनों से यही कहा जा रहा था कि अर्थव्यवस्था पर मंदी की मार है, ये भी कहा जा रहा था कि कैश फ्लो कम हो गया, ये भी कहा जा रहा था कि नौकरी जा रही है, घर नहीं चल पा रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, हर किसी का यही रोना था, जितनी तनख्वाह उतने खर्चे यही हैं, घर घर के चर्चे, ऐसी बात की जा रही थी। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और देश को 70,000 करोड़ का सो कॉल्ड बेलआउट पैकेज मिलने के बाद अब आपको उम्मीद है कि नौकरी बच जाएगी, 2 जून की रोटी नसीब हो जाएगी, किसान की आत्महत्या बंद हो जाएगी, एफपीआई सरचार्ज वापस ले लिया, स्टार्टअप्स के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए, मझोले उद्योगों को बड़ा तोहफा दिया है, ऑटो इंडस्ट्री को राहत दी गई है, बहुत बड़े बड़े फटाफट आईटी नोटिस का निपटारा किया जाएगा, बहुत वगैरह वगैरह वगैरह। राशिद जी हम अनपढ़ व्यक्ति हैं, इन्फ्लेशन हमें समझ में नहीं आता, डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट हमें समझ में नहीं आते, जीडीपी हमें समझ में नहीं आता, हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति के घर का गुल्लक उस समय तोड़ा जाता है जब घर में आने के संसाधन बंद हो जाते हैं, धन किसी भी तरह से नहीं आता, तब घर का गुल्लक तोड़ करके खर्च मुसीबत से निकलने की कोशिश की जाती है। और ये सरकार अगर आरबीआई के रिजर्व से आरबीआई का गुल्लक तोड़ करके 28,000 करोड़ रुपया नहीं निकालती तो 2019 का चुनाव नहीं हो पाता। हमें सिर्फ ये जानना है कि NSSO आपने क्यों बंद किया, क्यों डेटा नहीं लाने दिया जो ये बताता है कि 4,97,00,000 जॉब लोगों का जॉब छूट गया ऑर्गेनाइज सेक्टर से। एक बात आपने बोली, आपने कहा कि अगर घर का गुल्लक तोड़ करके 28,000 करोड़ रुपए नहीं, चुनाव से पहले नहीं निकाले जाते तो आज ये हाल नहीं होता। आप कहना क्या चाहते हैं, आपका इशारा किस तरफ है? गुप्ता जी आप रिबट कर लेंगे, आप रिबट कर लीजिएगा, आप लोग काउंटर बना लीजिए, रिबटल का मौका मैं सभी को दूंगा। हाँ गौतम राणे सागर जी, नहीं रिवल्टा नहीं, आप इसको कंफ्यूज, हमने ये कहा कि अगर 28,000 करोड़ रुपए गुल्लक तोड़ करके नहीं निकाले गए होते तो शायद 2019 का चुनाव भी नहीं हो पाता। नहीं, आपका इशारा क्या है मैं समझना चाहता हूं, ये 28,000 करोड़ इशारा क्या है, साफ कीजिए। हमारा इशारा ये है कि इकोनॉमिकल तौर पे इंडिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, इनसॉल्वेंट होने के कगार पे पहुंच गया है, 48,00,000 करोड़ का जो कर्ज हमारे ऊपर था 80,00,000 करोड़ हो गया है। गौतम राणे सागर जी मैं बता देता हूँ, स्थिति में मैं बता देता हूँ, आप इस तरीके से विचार मत करिए। गौतम राणे सागर जी कि आरबीआई जो पूरे वर्ल्ड में जो एक वो है वो कितना, अरे भाई सुनिए, रिजर्व जो रखा जाता है, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, जो रिजर्व वर्ल्ड में रखा जाता है, जो सेंट्रल बैंक होती है वो रिजर्व रखा जाता है 7 या 8 महीने। हमारे कंट्री में क्या हुआ, हमारे कंट्री में जो आरबीआई के चेयरमैन पुराने वाले थे उन्होंने 26% 22% रिजर्व रखे। अब मेरे को साथी कम करना बहुत जरूरी है, हाँ रुक जाए आप, उस रिजर्व को कम करना बहुत जरूरी, मेरे एक और ठीक है, मेरे एक और मित्र, एक मिनट रुक जाए, हाँ मेरे एक और मित्र हैं नीरज राय जी, हालांकि उनके साथ मेरा वैचारिक मतभेद, सुरेश चंद्रा जी उसके बाद आपके पास आऊंगा, मेरे एक और मित्र हैं नीरज राय जी, हालांकि वैचारिक तौर पर उनके साथ मेरा हमेशा मतभेद रहता है, लेकिन फिर भी स्वागत है नीरज राय जी,
सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा मंदी है, कमाई नहीं हो पा रही है, मेरा वही सवाल रहेगा बार बार वहीं पर घेरने की मैं कोशिश करता हूं, मैं खुल करके बोल रहा हूं, इस बार दीदी जो शॉल भेजेंगी मोदी जी के लिए उसकी क्वालिटी क्या होगी, कौन सी शॉल होगी? मैं भी उसी मुद्दे पे रहूंगा राशिद भाई, दीदी पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन देश इस समय पेट की रोटी के लिए तरस रहा है। अच्छा, ना दीदी रोटी देंगी ना मोदी जी रोटी देंगे। अरे वो नारदा शारदा को बताओ कैसे खाते हैं, कहां वो करते हैं। गुप्ता जी डिरेल नहीं, गुप्ता जी डिरेल नहीं, गुप्ता जी जरा सा बात कर लीजिए। गुप्ता जी गुप्ता जी अपने हिंदुस्तान के अंदर जमीनी हकीकत को जानना जरूरी होता है। एसी कमरे में बैठकर और न्यूज रूम में बैठकर अमेरिका और चाइना से तुलना कर देना हिंदुस्तान की फितरत नहीं रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती गांव से रही है, गांव के किसान से रही है। जब तक लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना नहीं करी जा सकती बहुतायत संख्या में, तब तक अर्थव्यवस्था और मंदी से हम झेलते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि सुबह से चल रहा है कि पार्लेजी जीएसटी से परेशान होकर अपने यहां से वर्करों को निकाल रहा है, यहां तक 41,000 वर्कर्स पर 10,000 वर्कर्स पर यह तलवार लटक रही है, पार्ले के 10,000 वर्कर्स पर। एकदम ठीक कह रहे हैं आप, आगे अपनी बात करें। 10,000 वर्कर मतलब 60,000 परिवार के लोग हो गए भाई साहब, कैसे आप 10,000 वर्कर की बात कर रहे हैं? ठीक है, अभी एयर इंडिया घाटे में चल रही है कि उसका अभी तेल ईंधन कंपनियों को पैसा नहीं दिया गया। छप हमारे देश के किसानों को नहीं है, बहुतायत आबादी किसान है। हमारे देश के किसानों को ट्रैक्टर है, 28% जीएसटी उस पर लगता है, गांवों में रोजगार पैदा हो सकता है। रही बात दीदी के साल देने की, तो यहाँ पर दीदी को साल की बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी को पेट की रोटी की आवश्यकता है। रोटी तो आप खा गए ना नारदा शारदा में। चलिए वहां से हम डिरेल कर देंगे। एक नारदा शारदा में मुकुल राय को अपने गोद में बैठाए पड़े हुए हैं, नारदा शारदा की याद आती है? नहीं जानकारी है। नीरज जी ठीक है, हाँ आप नारदा शारदा पे कभी और बात कर लेंगे, सिंदूर पे भी बात कर लेंगे। सरुक जाइए, एक काम कर लेते हैं ना, मुझे सुरेश चंद्रा जी के पास भी जाना है, लेकिन एसके गुप्ता जी शायद, हाँ एक मिनट मुझे, ओके ठीक है। मुझे चूंकि सुरेश चंद्रा जी के डिबेट को ना ले जाया जाए राशिद भाई, ओके ठीक है सर, हो गया ठीक है, सुरेश चंद्रा जी के पास जाऊंगा, लेकिन एसके गुप्ता जी शायद बहुत लोगों को रिबट करना चाहते हैं, कईयों को आप शायद जवाब देना चाहते हैं। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात जल्दी से पूरी करें, फिर सुरेश जी आपके पास आऊंगा। जी सबसे बड़ा रिबटल मैं वही करना चाह रहा था कि ये जो बोल रहे थे कि आरबीआई से पैसा ले लिया, देखिए वर्ल्ड में जो एक सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम ये बना हुआ है कि 7 या 8% के करीब जो है वो रिजर्व रखा जाता है। हमारे जो पुराने आरबीआई के गवर्नर थे उनका जो उन्होंने जो किया वो 20-22% आप लेके रिजर्व रखे हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चला करता। इसीलिए उनको इशारा किया गया था कि भाई आप इतना रिजर्व मत रखिए, थोड़ा सा रिजर्व आप लाइए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी भाई। देखिए आरबीआई ऐसा तो नहीं है कि कहीं अलग किसी दुनिया में बसता है, आरबीआई को कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, और वो बैठे हुए थे नहीं जी मैं तो 20-22% ही रखूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी जो पैसा किया है आरबीआई से निकाला है वो बड़े अच्छा बात है, और मेरे ख्याल में अब जो भाई साहब बोल रहे थे कि देश की, अरे भाई देश की कंडीशन तो बहुत अच्छी है भैया, हम जो है हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, करें एक आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सुरेश चंद्रा जी अभी तक नहीं है। ओके ठीक है, बहुत अच्छी होने वाली है, ओके ठीक है। और वो उस दिन जो आपके वो ठीक है पैसे जमा करने गए थे, ओके ठीक है, आपके चचा 300 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक में जमा करने गए थे जब नोटबंदी हुई थी, पता नहीं कैसे बच गए। ये ऐसे चोरों को सब जेल में डालना है। ओके रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, गौतम राणे सागर जी शायद कुछ जवाब देना चाहते हैं। अरे नीरज जी रुक जाएं, गौतम राणे सागर जी को जल्दी सुनेंगे, सुरेश जी के पास जाना है। सर रुक जाइए, फिश मार्केट नहीं, मछली बाजार नहीं, ऐसे भाषा का प्रयोग उचित नहीं होता। हाँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। गौतम जी आप बोलें, एक मिनट नीरज जी प्लीज, गौतम जी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए राशिद जी, हमने कहा कि हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सिर्फ मजदूरी की भाषा समझते हैं, इसलिए सिर्फ ये बताया जाए कि 14,180 किसानों ने आत्महत्या क्यों की,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, पूरे देश में 714 जिले हैं जिसमें 70-70 करोड़ रुपए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए और 20 करोड़ रुपया 72 करोड़ और 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया किसानों से वहां के वसूला गया, तकरीबन 172 करोड़ रुपए। और जब उनकी फसल बर्बाद हुई, अब पूरी फसल बर्बाद हुई, तो रिलायंस बीमा कंपनी जिसको दे दिया गया हमारी राष्ट्रीय कंपनी से छीन करके 30 करोड़ का उसको मुआवजा दिया गया और 142 करोड़ शुद्ध रूप से बीमा कंपनी के जेब में चला गया और इस हिसाब से 1,02,463 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से घोटाला किया गया। और आप किसानों की बात कर रहे हैं, इस बार स्वैच्छिक कर दिया गया किसान बीमा योजना। आप वो ऑप्शन लेके आइए, आप गुमराह न करिए, आप ऑप्शन लेके आइए, सीधा सीधा बताइए रोजगार क्यों छीन रहे हैं। हाँ। ऐसी क्या अब क्या एक आंकड़ा आप जो है एक और कुटिलता की बात लेके आ रहे हैं कि जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, चाय की दुकान है, पकौड़े की दुकान है, प्याज बेचने की दुकान है, समोसा बेचने की दुकान है, सब्जी बेचने की दुकान है, उनकी गणना करके आप ये बताने जा रहे हैं कि इनको रोजगार हम दे रहे हैं। गौरव मिश्रा जी यहाँ से आंकड़े उभार करके आ सकते थे। नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स को उसको आपने बंद कर दिया, आरटीआई को आपने कमजोर कर दिया और इसके बाद गौरव मिश्रा जी एक तरफ आर्थिक मंदी को लेकर चर्चा चल रही थी, वित्त मंत्री शाम में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि देखिए बाकी देशों का हाल ये है, भारत की अर्थव्यवस्था तो बेहतर है और धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सिर्फ इतना भर काफी है क्या? एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग परेशान हैं, छोटे व्यापारी तो खत्म ही हो गए हैं, संतुष्टि लोगों को हो नहीं पा रही है। नहीं देखिए, इस तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे देखिए, आज स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा 2014 से जो रिफॉर्म शुरू हुआ है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी जब आया हमारे देश में, आप आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाउसिंग के क्षेत्र में, ठीक है 2.5 लाख घर मकान बन करके खड़े हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या वो एंड यूजर के लिए बने थे, वो ट्रेडिंग के लिए बने थे, वो ट्रेडिंग के लिए बने थे, उनका व्यापार होता था, उसका दाम बढ़ाया जाता था। जिस तरह से फेक इकॉनमी, जिस तरह से जो है ब्लैक इकॉनमी इस देश में रन कर रही थी, दौड़ रही थी, वो मजा अब नहीं मिल रहा है। तो जो ये ट्रांजिशन का फेज है, ठीक है, ट्रांजिशन के फेज में देखिए दर्द हो रहा है, ठीक है, विशेष रूप से ऐसे लोगों को जिन लोगों ने मजा लिया है पुरानी व्यवस्था का, उनको तो दर्द होना तय है। सुरेश चंद्रा जी को बयान दीजिए। सुरेश चंद्रा जी ठीक तो कह रहे हैं, जिन लोगों को कालेधन की वजह से मजा आया उन्हें दर्द हो रहा है। आनंद कुमार जैसों पर जब छापा पड़ा तब मायावती को दर्द हो रहा है। मायावती ने इससे पहले कभी भी मंदी का कोई रोना नहीं रोया। जैसे ही लगा कि भाई पर छापा पड़ा, जैसे ही लगा कि पार्टी के उपाध्यक्ष पर छापा पड़ा, वैसे ही उन्हें भी दर्द होने लगा। यानी जिन लोगों ने कालाधन छिपा करके रखा हुआ था, नोटबंदी की वजह से जिन्हें अपने शेल से बाहर आना पड़ा, उन्हें दर्द हो रहा है और जब दर्द हो रहा है तो अफवाह फैला रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं साथियों, पहले ध्यान से सुनना, मैंने आप सबको सुना है, सुनना ध्यान से। इसमें मायावती जी या और किन्हीं का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सर। अरे सर मेरी बात, सबसे बड़ा सूबे की अगर चार चार बार मुख्यमंत्री रही है तो आवश्यकता है जी, सर आवश्यकता है। अगर उनके भाई पर छापा पड़ता है तो आवश्यकता है, छापा अगर आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष पर छापा पड़ता है। लेकिन भाई जब आपका आरबीआई का गवर्नर बोल रहा है, बात इसको समझिए, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बोल रहा है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है और राजीव जी बोल रहे हैं, तो फिर पुराने रघुराम जी बोल रहे हैं, जब ये सारे लोग रूमर फैला रहा है और आप लोग रूमर फैला रहा है, बात मानिए, आप रूमर फैला रहा है। मेरी बात सुनेगा, जब चार आदमी मुखिया बोल रहे हैं, आरबीआई से बड़ा कोई नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर से आज की डेट में बड़ा कोई नहीं, और पुराने वाले आरबीआई के गवर्नर है उनसे बड़ा कोई नहीं, उनको तो हटाया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम सीधे साधे गांव से वास्ता रखते हैं, इतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर,
क्यों झूठे वादे तो लखनऊ में इतने क्यों पसार लिए? अरे भाई मेरी इतनी मूर्ति क्यों बना ली? शेयर मार्केट अगर इतने ही पैर पसारने थे ना इतना भ्रष्टाचार क्यों कर लिया? देखिएगा राशिद जी क्यों छापा पड़ा आनंद कुमार पे? मुझे अगर बीजेपी वाले टोकें तो बात देखी जाए। आप एंकर हैं, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिएगा। वो नहीं, अगर आप गलत बात कहेंगे तो मैं कह रहा हूँ शेयर मार्केट गलत बात कहेंगे तो मैं प्रॉपर्टी आनंद कुमार की 400 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो गया, कहाँ से नामी हो जाएगी? अरे मैं करवा लूंगा अपने नाम, मेरी फांसी कर लेना। वही बात हुई, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। शेयर मार्केट आज डाउन है, प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ गया, आज बढ़ा हुआ था भाई, आज बढ़ा हुआ था। महंगाई बढ़ रही है, 250 पॉइंट बढ़ गया है। अच्छा आप रुक जाइए, आप गौरव जी आपको लगता है क्या? एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए होल्ड हो गया। एक मिनट रुक जाइए आप, सर ये मत बोलिए कि बात नहीं कहने देते। मेरा चैनल एक लोकतांत्रिक चैनल है, हर किसी को बात कहने का और बात करने का अपना मौका होता है, बस इतना है। सहूलियत के नहीं, सहूलियत के हिसाब से बात बस मैं नहीं करने देता, इतना ही फर्क है बाकियों में और मुझ में, सहूलियत के हिसाब से नहीं। गौरव जी क्या आपको भी लगता है क्या कोई देश की ऐसी लॉबी है जो बीजेपी अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है? अगर बीजेपी नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है धारा 370 के हटाने के नाम पर, अगर ट्रिपल तलाक से आजादी के नाम पर, या देश को और बेहतर करने के नाम पर, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के नाम पर, तो क्या ऐसा लगता है क्या कोई ऐसी लॉबी है जो ये मंदी का डर दिखा करके अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है? एक मिनट जी, राशिद जी आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाना चाहेंगे। ये जो भाजपा विरोधी मोदी विरोधी गैंग है, इन्होंने ही जो है असहिष्णुता का शब्द उठाया था इस देश में, बहुत लोग तो इसका मतलब भी नहीं जानते थे। इन्हीं लोगों ने समय समय पर ऐसे ऐसे विषय को उठाया है जिससे कि सरकार को अस्थिर किया जा सके। आज जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, सभी एजेंसियां एक सकारात्मक दिशा में काम कर रही हैं, पूरे विश्व में भारत की साख अब तक के ऐतिहासिक स्तर पे ऊंची बढ़ी है, पांचवें से सातवें अर्थव्यवस्था आ गई, इस स्थिति में स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने लोन लिया था, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लोन लेती थीं, उस लोन का कर्ज उतारने के लिए जो ब्याज होता था उस ब्याज पर भी लोन दिया जाता था इसी देश में। अब वो मजा नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि वो गैंग परेशान तो होगी, बेचैन होगी। नीरज राय जी एंटी बीजेपी गैंग परेशान है, जवाब दीजिए। नीरज जी एंटी बीजेपी गैंग परेशान है जवाब दीजिए। बनाने का प्रयास एंटी बीजेपी गैंग जो कभी असहिष्णुता का नारा देती है, कभी मॉब लिंचिंग की बात करती है, कभी मंदी के नाम पर अफवाह फैलाती है। आज उपाध्यक्ष ने जो बोला है मंदी का दौर चल रहा है, तब वो अभी मोदी विरोधी गैंग के साथ? नहीं 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 ना ना ना, उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा हुआ है कि मीडिया गलत तरीके से दिखाए नहीं, उन्होंने ये भी कहा। नीरज जी आप ये नहीं कह सकते ना, बीच में नहीं सुरेश जी, बीच में नहीं राशिद भाई नहीं होती है। हाँ नीरज जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज जो चल रहा है गांव में, देखिए किसानों को 50,000 रुपया पे आरसी कट रही है, उसका प्रमाण मैं दे दूंगा। आज के बुकिंग बंद कर देने पड़े, इतना धुआंधार लोगों ने बुकिंग किया, लेकिन किसानों की बात नहीं होती है। बात किसानों की होती है कि 2022 में आय दुगुना कर देंगे, लेकिन वर्तमान में किसान की आय क्या है? ठीक है, गौतम राणे सागर जी, गौरव जी का ये कहना है कि एंटी बीजेपी गैंग है जो एक लॉबी चला रही है, एंटी बीजेपी गैंग है जो देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती, एंटी बीजेपी गैंग है जो मंदी के नाम पर अफवाह फैला रही है। गौतम राणे सागर जी जवाब दें। निश्चित तौर पे चड्ढी गैंग ही है जो बीजेपी के खिलाफ। नहीं, एक मिनट, मैं ऐसे शब्द की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। ये लोकतंत्र है, स्पेशलिस्ट है ये, ऐसे शब्द की पूरी तरह से मैं निंदा करता हूँ। ये बताता है इनका चरित्र, ये लोकतंत्र बताता है कि ये चड्ढी विशेषज्ञ है, ये ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं खुले मंच पर। नहीं गौतम राणे जी, ऐसा क्यों ना माना जाए? गौतम राणे जी सुनिए ना, ना गौतम राणे जी सुनिए, मोदी सरकार टू में एक के बाद एक बड़ी चुनौती और कामयाबी, चंद्रयान टू, फिर उसके बाद तीन तलाक और उसके बाद अनुच्छेद 370, क्यों ना माना जाए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक लॉबी तैयार की जा रही है जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश है, ऐसा क्यों ना समझें? अरे निश्चित तौर पर मैडम, हमने मोदी जी को कहा कि आप तो धर्मराज है मान्यवर,
और इतने बड़े धर्मराज हैं कि अब तो पूरे देश की महिलाओं ने तय कर लिया है कि उनको न्याय मिल जाएगा। धर्मराज आपने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला दिया। मेरी एक बहन है, बहुत दिनों से पीड़ित है, एक उसके पति नालायक पति छोड़ करके चला गया है, तलाक भी नहीं दिया, ख्याल नहीं कर रहा। धर्मराज आप उसका उसके भी कष्ट को तो निवारण कर दीजिए ना। धर्मराज आप तो धर्मराज पैदा हो गए, अब तो आप प्रधानमंत्री नहीं गुप्ता जी जवाब दें। और धर्मराज से गुप्ता ही जाता नहीं, 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 प्लीज कि प्रत्येक गौतम राणा सागर जी दो तीन चीजें हैं बहुत साफ मैं ये कह दूं। नहीं गौतम राणा सागर जी दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर मैं कह दूं। पहली बात, डिबेट में कभी पर्सनल नहीं होते। दूसरी बात, एक सभ्य नागरिक की हैसियत से हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी बात यह कि सभ्यता की जो एक लकीर होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है ना, वो लक्ष्मण रेखा ये हमें बताती है कि किस वक्त में हमें किससे क्या बोलना है। और याद रखिएगा, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जो भी बोलते हैं सरुक जाइए, आप जो भी बोलते हैं ना गौतम राणे सागर जी, उसका एक बड़ा असर होता है। वो ये बताता है कि पार्टी की सोच क्या है। अगर ये पार्टी की सोच है तो मुझे अफसोस है कि आपकी पार्टी की ऐसी सोच है। गुप्ता जी बोल सकते हैं, सरुक जाइए ना। देखिए पहले आपने सागर साहब ये जो वर्ड यूज किया आपने चड्डी गैंग, मेरे ख्याल में ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, इस टाइप का वर्ड आप यूज मत करिए। दूसरी बात, ये रोजगार की जो सब लोग मिलके बात कर रहे हैं, जरा इस पे मेरे को थोड़ा सा बोलना है। एक्चुअली क्या है कि रोजगार का जो डाटा कलेक्ट करने का हमारा पुराना सिस्टम जो चला आ रहा है, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही हम जो है मापदंड लेते हैं, और उसमें भी जो गवर्नमेंट सर्विस है उसी को करके लेते हैं। अभी पिछले दो साल से गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब बहुत बड़े हैं। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ये ओला और ये जो कार्स हैं, इसमें जो ड्राइवर्स हैं, इनको इतना रोजगार मिला है कि पहले जो पहले होता था उससे मेरे ख्याल 5 गुना रोजगार इसी में बढ़ गया है। और उसके बाद जो लोन दिए जा रहे हैं लोगों को जो अपना स्वरोजगार करने का, वो भी है। तो ये सब चीजें पहले कैच नहीं होती थी, अब जो सिस्टम बन रहा है उसमें ये सब चीजें कैच हो जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि रोजगार का प्रतिशत जो आप खराब दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है, रोजगार बाकायदे लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, ये जो किसानों की हत्या वाली बातें कर रहे हैं, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी। कांग्रेस के जमाने में हत्याएं, ये सुसाइड करते थे लोग, अभी भी कर रहे हैं लेकिन काफी कम हो गया है, काफी कम हो गया है। जीएसटी आने के बाद इतना बड़ा काम हुआ है, व्यापारी भी अभी खुश है। एक जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक रहा था, एक जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक जी अब सब लोग चुप हो जाए। सुरेश चंद्रा जी जल्दी बोल लीजिए, जो भी बोलना है मुझे ब्रेक लेना है। सुरेश चंद्रा जी जल्दी बोलिए। ओके ठीक है, एक एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप दूसरे लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, आरबीआई के गवर्नर हैं वो सरकार के हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सरकार की हैं, प्लानिंग कमीशन के राजीव कुमार जी हैं वो सरकार के। सुनिएगा सुनिएगा मिश्रा जी, मैंने सुना है, आप सबको सुन रहा हूं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में एक दूसरे का यकीन नहीं रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई विश्व भर में इस तरह की मंदी का दौर है, तो फिर निवेश कहां से आएगा। और जब निवेश नहीं आएगा तो ये जो जुमलेबाजी हुई है ना, तो ये एक न एक दिन तो सामने गौरव जी है। मेरे ख्याल से आपको जवाब दे देना चाहिए। सुरेश चंद्रा ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने मंदी का या फिर कैश का या फिर किसी भी तरह से रिसेशन का रोना रोया है, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सरकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो, चाहे आरबीआई के मौजूदा गवर्नर हो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हो, और वित्त मंत्री का भी नाम लिया है। जल्दी जवाब दें, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। देखिए जो आज करेक्टिव मेजर्स वित्त मंत्री जी ने लिया है, उसके वजह से कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, तरलता बहुत तेजी से बढ़ेगी, एफडीआई भी आप देखिएगा बढ़ेगा। हाँ ये बात सही है कि जो सुपर रिच टैक्स लगाया गया था उसके कारण से एफडीआई में थोड़ी कमी आई थी पिछले 2-3 महीनों में, विशेष रूप से जुलाई में बजट के बाद, लेकिन प्री बजट की स्थिति बहाल कर दी गई है और इसका असर आपको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सोमवार को ही दिख जाएगा जब मार्केट खुलेगा। तो यही ऑटोमोबाइल सेक्टर कम से कम 7-9% की बढ़ोतरी के साथ खुलेगा,
नीरज जी एक सवाल है मेरा, सुरेश चंद्र जी रुक जाइए आप, सुरेश चंद्र जी रुक जाइए आप, बैठेंगे कि सरकार किस तरह से। नीरज जी मेरा एक सवाल है, सुरेश जी मैं हाथ जोड़ लूं आपसे, आपको मेरी डिबेट चल रहे पिला करके चल सर सर एक गौतम राणा सागर जी रुक जाइए, होल्ड। नीरज जी मेरा एक सवाल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के जितनी भी आशंकाएं या अनिश्चितता की बात की जा रही है उससे आपको अफसोस होता है, मतलब दिल में दर्द होता है आपको, या ममता दीदी के दिल में दर्द होता है? देखिए गौरव भाई, आपको राशिद भाई, मैं बार बार मैं चीज आपको नहीं, मुझे बताया दिल में दर्द होता है या नहीं होता है, बोलता हूं लेकिन आप भी काट के निकाल देते हैं पेट में। मैं भी यही कह रहा हूँ भैया, आपने जब सिंगूर से टाटा को भगाया तब आप लोगों को लगा था कि कितने लोगों की, जब सिंगूर क्रांति कर दी थी ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल पाने के लिए, माँ माटी मानुष हाथे बाव मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम, आत्महत्या नहीं वहाँ पे, उसमें भगाना जरूरी था, गुजरात में गया वहाँ से भी भाग गया। हिपोक्रेसी है, इट्स पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, राजनीतिक पाखंड की पराकाष्ठा है, एक ब्रेक। झारखंड के गोड्डा में आप लोग तो सिर्फ कमीशन। आर्थिक मंदी को लेकर खतरे की आशंका कई लोगों के जरिए अलग अलग तरीके से रखी गई, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं था। उसके बाद होता यह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसे र्यूमर फैलाए जा रहे हैं। बाकी देशों की जीडीपी देखिए, बाकी देशों की आर्थिक व्यवस्था देखिए, वहां हालात बदतर हैं, लेकिन हां भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर बता दी है, जिसके बाद एक तसल्ली सरकार की तरफ से देने की कोशिश है। लेकिन कैश फ्लो की बात जो कम हो रही थी, कैश फ्लो कम हो गया है। एपी तिवारी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जाएं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाए, कैशलेस इकोनॉमी का सीख दी गई थी सरकार की तरफ से, लेस कैश कैसे हो गया? देखिए इसको इस तरह समझा जाए कि ग्रोथ का दो स्वरूप हो सकता है, एक कैंसरस ग्रोथ जिसमें ग्रोथ रेट ऊंची दिखेगी, और दूसरी स्थिति एक नॉन कैंसरस ग्रोथ जो अधिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम या करप्शन लेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ती हुई ग्रोथ रेट होगी, स्वाभाविक रूप में उसका आकार प्रकार कम होगा, उसकी दर कम होगी। इसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि समय रोध है, इसको एलाबोरेट में नहीं कर सकता, लेकिन केवल इतना समझा जाए कि अर्थव्यवस्था में अतीत में भी आर्थिक संकट आते रहे हैं। 90 के दशक में जो आर्थिक संकट आया उस समय मुद्रा स्फीति की दर 17% थी, 17% रानी जी, अगर इसी तरह गौतम राणा सागर जी, अगर एक अर्थशास्त्री बोल रहे हैं ना, हम सभी को सुनना चाहिए। गौतम राणा सागर जी सर रुक जाइए, नहीं नहीं गौतम जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं परमिट नहीं करूंगा। गौतम जी ससम्मान आदरणीय गौतम जी, रिस्पेक्टेड गौतम जी, मैं परमिट नहीं करूंगा। तिवारी जी अपनी बात पूरी कर लें। मुद्रा स्फीति की दर अगस्त 1991 में 17% थी, 17%। विदेशी मुद्रा कोष मात्र 1.2 बिलियन, जो इस समय 400 बिलियन डॉलर पर रेंग रहा है, उस समय 1.1, मैं औसत बता रहा हूं, उस समय ये 1.2 बिलियन डॉलर पर था। कैसे मापेंगे? चालू खाते का घाटा काफी बढ़ चुका था, राजकोषीय घाटा केंद्र राज्यों और बैंकिंग सेक्टर का मुझे एक बात बता 11% के करीब था। तिवारी जो इस सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, जो समाकलित ड्यू एपोलॉजीज आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। तिवारी जी बस एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, तिवारी जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, माना जा सकता है कि 90 के दशक के सापेक्ष तिवारी जी कोई आर्थिक संकट है? ओके ठीक है तिवारी जी, एक चीज तिवारी जी एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये ग्रोथ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है? जैसा कि आपने जिक्र किया है, ये फ्रेज मैं आप ही का ले रहा हूं, ग्रोथ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है?
ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो बेहतर होती है। इसका मतलब यह है कि कैंसरस विपक्ष है। इसका मतलब यह है कि कैंसरस विपक्ष है। एक क्षण लूंगा इसके लिए। हाँ, अपनी बात बहुत जल्दी पूरी करें। टीवी की अपनी बाध्यताएं होती है, बहुत जल्दी पूरी करें अपनी बात। भारतीय संघ के लिए एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह आर्थिक नीति के अवयव के तौर पर देखे जाने चाहिए। आर्थिक नीति बता रहे हैं साहब, किस अवयव की बात कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आती भाई साहब की बात कर रहे हैं वो, आपको तो वो समझ में आता है। 300 करोड़ घर में रखा है, उसको जाके बैंक में जमा कराओ। कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर दिया 300 करोड़, आपकी पार्टी में वो है, ये समझ में आएगा आपको? चलिए मैं डिबेट के कंक्लूडिंग पार्ट पर हूँ। ये बताइए, एक मिनट, मैं डिबेट के कंक्लूडिंग पार्ट पर हूँ। मैं चाहूंगा कि हर कोई अपना क्लोजिंग कमेंट दे दे। गौरव जी, आपके साथ में शुरुआत। राशिद जी, मुझे लगता है कि आज आदरणीय वित्त मंत्री जी का जो बयान है वो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। इसके परिणाम निकट ही दिखने लगेंगे और सभी क्षेत्रों में, सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पे 12 लाख करोड़ के निवेश का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा जो सेवा के क्षेत्र हैं, जो पहले सीएसआर का जो फंड था उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करने पर, खर्च नहीं करने पर उसको क्रिमिनल एक्ट में ला दिया गया था, लेकिन उसको भी अब हटा लिया गया है। ठीक है, उसको भी सिविल एक्ट में ला दिया गया है। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब कंपनियों को बहुत सहज स्थिति हो जाएगी। एक छोटा सा सवाल मैं तिवारी जी से करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मन में यह सवाल है। एपीजी, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नोटबंदी से पहले मेरी पॉकेट में नोट होते थे, पैसे होते थे। नोटबंदी के बाद से वो कैश मेरे पॉकेट से खत्म हो गया है। सब कैश जो है वो मेरे फोन में आ गया है। एप्स के जरिए मैं पेमेंट करती हूँ, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे चाय वाला हो। क्या इस वजह से भी कैश फ्लो कम हो सकता है? अच्छा, आवाज जा नहीं रही तिवारी जी तक। राशिद, आप कंटिन्यू करो। एसके गुप्ता जी, मुझे एक डेडलाइन चाहिए। चलिए, मैंने मान लिया कि यह मंदी वर्चुअल है, मैंने यह भी मान लिया कि यह लोगों का र्यूमर है या अफवाह फैला रहा है, लेकिन मुझे एक डेडलाइन चाहिए कि यह वर्चुअल मंदी दूर हो जाए। वो डेडलाइन दे दें आप। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संघ जो है नीति निर्धारण का काम करता है। संघ का यह काम होता है कि सरकार कोई भी हो उसे एक राय दी जाए कि देश को सुचारू तरीके से किस तरह से चलाना है, जहां पर राजनीतिक शुचिता भी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए, विदेश नीति को लेकर के भी आप लोग का विचार होता है। मुझे एक डेडलाइन दे दीजिए आप। देखिए, मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कंट्री की हो जाएगी एंड इट विल बी द थर्ड बिगेस्ट कंट्री। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपने आप को आप कहां पाते हैं? 2024 में हो जाएगी, मोदी जी का ये सीधे वादा है। कहां पाते हैं? मायावती जी कहां पाती? कैसे जुमलेबाजी है सर? सारे झूठे वादे रादे, झूठे सपने दिखाना, करके दिखाया है भाई। एक $2 बिलियन से $3 बिलियन रेड यू फाइंड योर सेल्फ इन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एक एक बच्चे का पैदा होता है तो कितना कर्ज लेकर के पैदा होता है? जो संवैधानिक और सामाजिक समस्या है उसको बीजेपी ने, हो सकता है, बहुत बखूबी से निभाया, 3 तलाक हटा दिया, ये सब उसमें। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम को जब आप रिफॉर्म कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आप नेट नीति से कर रहे हैं, वो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लिंक को डिपेंडेंट होते हैं। एक मार्केट चलती है, साइकोलॉजिकल एक इंडेक्स होता है। मैं बोलता हूँ सारा पैसा देश में है, कोई लगाना नहीं चाहता है क्योंकि सारे लोगों का कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है। अब आगे क्या होगा? GST बढ़ेगी, आज 5% है, कल 10% हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, स्टेबिलिटी लाने के लिए कॉन्फिडेंस। एसके गुप्ता जी, एके मिश्रा जी, सुरेश चंद्रा जी, एपी तिवारी जी, नीरज भाई, बहुत शुक्रिया। गौतम राणे सागर जी, गौरव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का राजधर में अपना बेशकीमती एक घंटा हमें देने के लिए। लेकिन क्या है ना, सरकार की तरफ से फैसले वक्त वक्त पर लिए जाते हैं और वक्त के साथ उन फैसलों को देखने के बाद उनमें संशोधन भी वक्त वक्त पर होता है, अगर जरूरत पड़ रही है तो। ऐसे में सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। पीएम अगर कह रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और साथ ही साथ वित्त मंत्री कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है, तो भरोसा और विश्वास कायम रखिए। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।